अभी एक आंटी से मेरी लड़ाई होने वाली है, बहुत जरूरी है देखना तुम, मेरी जिसने पार्किंग ले ली थी ना उस आंटी से मेरी लड़ाई बजने वाली है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ठीक है, और अभी तुम्हें एक चीज दिखाऊं, एक ना एक बिल्ली सो रही है, दिखाता हूँ किस हालत में सो रही है ना, वो भी देखना। मेरी किडनी में दर्द होगा। भाई बड़ा हरामी बिल्ली, बिल्ली सारी है, बिल्ली की हालत है सारी है। ओह शिट भाई ये नहीं करना चाहिए, तो मेरे हार्ट अटैक आ जाता है यार, कटारे फिर भाई यार कितना डरपोक हो यार तुम यार। अरे एक कैमरे में भी आया भाई ये फक फक भाई। और मां का स्क्रिप्टेड नहीं था YouTube पे ना भाई, तो स्क्रिप्टेड तो वैसे भी नहीं था, मैं कह रहा हूं बट बाबा आपने मिस कर दी को अपॉर्चुनिटी। क्या जो मैं कल बता रहा था, कल मैंने तेरे को बताया ही नहीं शायद, अभी बताता हूँ, चल तू कर ले इसको भाई, चीजें दिलाता हूँ। गाइस आ चुके हैं भाई वाह बहुत सारा खाना चल रहा है यहाँ पे। चल भाई गाड़ी आगे नीचे चले, एक बार ले पूछ के तो हमें क्या क्या काम हुआ गाड़ी में। आओ आओ गाइस खा ले, तू पहले खत्म कर ले। अरे नीचे पहुंचने में भी टाइम लगा यार, चल भाई यार। अच्छा ये तो तेरी चप्पल है। तो भाई गाड़ी अपनी रेडी होके आ चुकी है, एकदम नाई धोई सी। मैं कह रहा भैया क्या क्या चेंज हुआ अपना ये बताओ। ये इसमें तो अभी वो है मेरा नाम डिटेल विटेल आ जाएगी, पढ़ के सुना दे भाई। व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, ठीक है। मैक केयर क्या है ये? डुप्लीकेट होता है, हर डोर पे होता है। ओके एडब्ल्यू कार सैनिटाइजर व्हीकल पिक एंड ड्रॉप के भी वेट। अच्छा फ्री हो, फालतू कोई चीज चेंज नहीं हुई? ना सही है, चलो बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अंदर तक अभी साफ सुथरी है ना। अरे खोलना भैया इसको एक बार, ये लो भाई वाह। अब आ रहा मजा, गाड़ी चमक गई अपनी बहुत बढ़िया। मजा टेस्ट कर रहे हैं अपने व्हीकल को कि कैसी चलती है अभी ये सर्विस के बाद। भाई गाड़ी चल रही है एकदम मक्खन, सारी बढ़िया चीज होगी इसमें। व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट पहले भी ठीक थी बट दिक्कत थी, मुझे तो ना लगी कोई दिक्कत थी। मैं तो कभी लिफ्टिंग नहीं आई भाई इस गाड़ी में, मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं भाई, मजा आ रहा चलाने में, स्मूथ होगी और बढ़िया। भाई ने ड्रॉप कर एक बार हाईवे तक, फिर आएंगे उल्टे। भाई अपनी जो सर्विस कॉस्ट बैठी है वो बैठी है 10,680 रुपया, सीधी बात, सीधी बात। और मेरे हिसाब से फॉर्चुनर और लेजेंडर में इतना कोई फर्क नहीं है, या फिर है कुछ फर्क? सेम है सर्विस कॉस्ट। पिछली बार ये बता रहे थे कि लेजेंडर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, पिछली बार से हमारे 2,500 रुपए ज्यादा लगे क्योंकि हमारा एसी फिल्टर चेंज हुआ है। 100-200 रुपए ज्यादा लगे ज्यादा, मतलब जो भी है कुछ तो लगे ज्यादा, 4,00,000 रुपए महंगी गाड़ी लिया। मेजर मेजर तो है ना इंजन ऑयल कॉस्ट है, मेजर 5.5 लीटर तो नहीं, 7.5 डलता है, कितना डलता है इंजन ऑयल बताई ना, गाड़ी ने बताई नहीं मेरे को, 7.5 लीटर डलता है जो भी है। भाई सर्विस अपनी डन, गाड़ी अपनी मक्खन हो चुकी है। और भाई बता रहे हैं कि 20,000 रुपये जो सर्विस होती है उसके बाद एवरेज गाड़ी की बढ़ती है। मेरी गाड़ी एवरेज देवे, मतलब अगर मैं चलाता हूँ तो देवे भाई यो 9 तक की दे, 9.5 तक की। इस टाइम दे रही 9.2 गया, जब तू चलावे कितनी देवे? हम तो 12 से ऊपर निकाल है, ये देवे 12-13 की एवरेज, ना मेरा 5.5 टेक है भी ना टेक है। 10-16 की निकाली थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी, 16-16 की एवरेज देवे मेरी उज्जैन CNG की फॉर्चुनर ले रखी है, 16 की एवरेज निकाला है। तो भाई अब अपने मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है फ़ोन की, अपने चार्ज करूँगा और फिर घर निकल जाऊँगा। शाम को निकलना मुझे मामा के, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, और मम्मी को लेके अपने मामा के निकल जाऊँगा। अभी कुछ सामान सुमून भी लेना, बीच में तो मम्मी ने कही थी वो ले लियो चमचम कलाकंद और खान कून का, मतलब वही कलाकंद और मिल्क केक अलग रहे, मतलब स्वीट्स लेनी है मुझे मामा के लिए। तो अभी निकल रहा हूँ बस मैं थोड़ी देर में। भाई अभी इन लेडीज़ की लड़ाई बच जाती है उस वाली पार्किंग वाली जो है ना, ये दोनों लेडी चला रही है और किसी को ना चलानी ना आवे, ये रिक्शा चलाई करती ये देख ले क्या पागल है ये भाई, पीछे लेके इधर लेके अंदर लेके चली जाना, और वो मैं भी इसी पार्किंग के चक्कर में, ये भी इसी पार्किंग के चक्कर में, बट मैं आगे लगाऊंगा पागल नहीं पता। इधर ठोक ओ बच्ची थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी रहेगी मेरे साथ, ठोक भी दी ठोक दे तो मजा आ जाएगा, लड़ाई देखूं कैट फाइट। अरे लगा दे आंटी, पता नहीं क्यों जन्म रखी है आवास। एक तो भैया देख देख कहाँ लगाई है, अरे यो का कर आंटी मेरी पार्किंग और खागी, ले देख लो भाई इसलिए खड़ा था मैं, इसलिए यहाँ पे है ना, हम भी सारे ढीठी हैं, यहीं खड़ी कर दी, ले आजा निकाल ले, इसके पीछे ही खड़ी कर दी, जोर है तो निकाल कर देगा, मेरी पार्किंग ली है इसने। अभी एक आंटी से मेरी लड़ाई होने वाली है, बहुत जरूरी है देखना तुम, मेरी जिसने पार्किंग ले ली थी ना उस आंटी से मेरी लड़ाई बजने वाली है, क्या तो मैं पार हो जाऊँगा या उससे गुथूँगा देखते हैं। जो खड़ी भाई अपनी गाड़ी, आंटी स्टार्ट करके खड़ी है वैगनार, लो जी इधर फ़ोन पे लग रही है, अब भी 5, 4, 3.5 पे क्यों कर रहा था मैंने, 2, 1, 0 अपनी में बैठे, आंटी की निकल के आ जा, जल्दी निकल के आ जा, अपना सामान रख दिया। आंटी इज़ नॉट कमिंग गाइज, आंटी इज़ नॉट कमिंग, स्टिल नॉट कमिंग, गाड़ी स्टार्ट करी, बाय आंटी बाय।
भाई सीन क्या हुआ था, जब याद है मैं पार्किंग लगा रहा था ना, तो मैंने पहले इंडिकेटर दे रखा था अपनी पार्किंग के लिए। उसके बाद क्या सीन हुआ, ये आंटी ने पीछे लिया अपने फोन पे बात कर रही, तब से फोन पे बात कर रही है, फोन बात करती करती ने बैक ली और मेरी दो गाड़ी की जगह थी उसमें ना एक में घुसेड़ दी। अब वहाँ पे एक ही गाड़ी की जगह बच रही है और मेरी रहेगी लावारिस गाड़ी। मैंने कहा यार यो, तो मैं लगा के चला गया जैसे मैंने व्लॉग में बताया। उसके बाद ये आंटी पहले आ गई और बैठी रही। मैं कहा ऐसी आंटियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, अगर बाई चांस मेरे तो कुछ फालतू बोल देती ना कि तुम यहाँ की तमीज है तुम्हारी गाड़ी लगाने की, तो भाई मैं सीधे सॉरी मांग लेता। मैं कहा सॉरी आंटी क्या हो गया, आपके बेटे बराबर हूँ मैं यार, छोड़ दो, गलत बात है ये सब करनी है, हमारी गाड़ी लगी तुम्हारी गाड़ी लगी एक बात है, क्योंकि लड़ाई बिड़ाई में तो हम बिलीव करते नहीं है ना। ना यार देखो आंटी को मैं क्या ही बोलता, छोरी छारी का केस होता है तो भाई थम जितना बचो और आगे बताओ अपने भाई होता है कि भाई किसी भी केस में फंस जाना, फंसना ही क्यों है, पर छोरी के केस में तो कति मत फंसना, क्योंकि पुलिस भी आएगी ना तो उनके कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके अच्छा इसने ऐसा करा, ओहो इसने तो ये भी किया होगा, समझ रहे हो ना। तो भाई इन सब चीज़ों से बचना, मैं तो थोड़ा ऐसा ही हूँ टेढ़ी बुद्धि का, कहीं भी कुछ भी कर दूँ तो मेरे इस पे पीछे पीछे मत चलना है। उसने मेरी पार्किंग खाई थी इसलिए मैंने उसके पीछे लगा दी और घनी देर वेट करवाई, क्योंकि ये जो मैं सामान लेके आया हूँ ना हमारा होम स्वीट से, इसमें काफ़ी टाइम लगा, इतनी भीड़ लग रखी, सब रक्षाबंधन के ले आ रखे, कुछ लेने मम्मी ने सब ले रहे हैं, वहाँ दो दो किलो तीन तीन किलो, मम्मी ने मैसेज कर रखा कि ये ले आइए। मैंने खोल के देखा तभी ऑन द स्पॉट, वो कह रहा हाँ जी भाई बताओ क्या चाहिए। मैंने कि आधा किलो चमचम, आधा किलो मिल्क केक, आधा किलो वो ना दो सोन पापड़ी के डिब्बे। मैं कहा छोटा ही मंगाया यार, इतनी छोटी फैमिली तो नहीं है हमारी, पर चलो कोई नहीं, घर जा रहा हूँ भाई, नहाया भी नहीं सुबह, हाँ पता नहीं नहाया, सोच लियो कि तुमने अपने दिमाग में, नहीं ना भाई जाके नहाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा फरीदाबाद। ओए ओ कहाँ है, क्या कर रहा है तू, चोरी कर रहा हो घर में। मैं कहा ले अपना सामान पकड़ ले, मेरे साथ गेस करो कौन है यार सबसे बड़ा बदमाश भाई, ये देखो ना रेडी मोटू। आज मम्मी ने बताया कि मामा का बर्थडे भी है और हमें पता ही ना था, कोई नहीं मामा को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, मामा दौरे जा रहा हूँ जाके विश करूंगा। गिफ्ट कहाँ है मामा के लिए, क्या करना गिफ्ट का। यार तू तो गरा घना बदमाश है, घना ज्यादा बदमाश है। हैप्पी बर्थडे कह दूंगी, होगा गिफ्ट, हम बहन भाई ऐसी है, ऐसे ही होगा, तुम वो भी ना दे आप भी ना दो, ठीक है भाई हम भी ना देवे, फिर भाण क्या कहे, मैंने तो बोलना भी ना रहा, ऐसे लोग हैं। तो भाई निकल लिए फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद का रास्ता दिखा रहा एक घंटा 20 मिनट का, इतनी रात को पता नहीं मैं इतनी रात को इसलिए निकला हूँ क्योंकि भाई निकल लिए दो चीता निकल लिए, यो वो है गिलहरी, सारा दिन जो अच्छा लगे वही काम करा है, सारे दिन बाहर का खावे, कोई नहीं ओके भाई तो छोड़ दे कर कैमरा खुलती गल पकड़ 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 कर लग जावे। लड़ाई बच गई गाइस, लड़ाई, अरे यार कहां गई यार, वो पीछे चली गई, पूरी दुनिया रक्षाबंधन मनाने जा रही है सब, मम्मा एवरीबडी ये देख लो सब, इतनी भीड़ इतनी रात को 9:46 हो रहे हैं भाई और सारे जने सबके भाई बहन है भाई, सबके भाई बहन है, सब कहीं ना कहीं बुआ बुआ के जा रहे हैं, चलो एंजॉय एंजॉय, हम भी तो कहीं जा रहे हैं, तू बोल ले बीच में। एक तेरी बाण बैठी हुआ थाईलैंड बैठी है मेरी बहन, खुद क्यों बनाएगा यार मम्मा वो। तो भाई अब सीन मतलब जो मेरी रियल सिस्टर है वो तो भाई बैंकॉक रहती है, वहीं पे है वो, तो क्या ही करें, उन्हें राखी भेजी है पर मैं लेकर आने का है ना, तुम हमारा रक्षाबंधन एक दिन पहले बनता गाइस, एक दिन पहले क्यों बनता है, ओके बाय, यू घनी बेइज्जती करे यार। मैं साढ़े किसी दिन चटका दूंगा मोटा तुझे, ठीक है ना, घना मत बोला है, घना मत बोल रहा है, यो खा ले अपने जितने भी है, ए कितनी कुल्फी ले ली भाई, खेल ली की है इतनी सारी कुल्फी है, पान फ्लेवर करी पान खुआ दे, ये भाई बर्थडे केक्स बहुत, ये घना पीला होगा पर
मजा आ रहे हैं। मैं तो ये तेरे तो पूछे किसी ने यार कुछ भी खाने के लिए अपने चुपचाप बैठे रहे यहीं पे अपना भी लिया क्या तो केक 3 मिलियन वाला बता दूं सब तक क्या करके आए हो आप दो बाड़ा केक देके गए मेरे 3 मिलियन के 3 मिलियन लिख रखा उस पे और हटाया ना लेके आ गई किस लेके मामा ने पता ना लगेगी आई थी तो फिर नू बोले ले आओ उसका 3 मिलियन का यही काट देंगे जो बच्चे देके गए राजस्थान से देके गए थे अरे रहने दे पता 3 मिलियन लिख रहा नू कह रही अरे हटा देने ने यही तो हुई थी ये बात सारी हाँ वो तो आपने पता ना लगा मम्मी ने पहले चेक करा केक पे मेरा नाम तो ना लिख रहा और 3 मिलियन ना पड़े गए यहाँ पे ले आई गरी नहीं मैंने सच्चाई बताई थी कि बच्चे जो राजस्थान से आए थे उनके 2 कागज भी थे फिर मैं घर जाकर दिखाऊंगी कोई ना यहाँ पे भाई अभी ऑलरेडी 2 केक है क्यों मेरा बदनाम करने में तुल रहा मैंने धामे गई थी सुनीता थे मैं 2 बच्चे मुझे बदनाम क्यों कर रहा है तू कितना बदनाम करूँ आपको मैं चलो भाई केक कटिंग टाइम भाई तीसरा केक भी लाओ यार तीसरा केक ये देख लो ना कैमरा शाय बच्चे इतनी दूर आए थे तो मिला भी ना उस दिन मैं था नहीं ना 3 मिलियन ये कुछ भाई ये रहे ना 3 मिलियन भाई ये भाई देखे गए मेरे को कांग्रेचुलेशन हाँ यार ये गाड़ी में लेकर आ रहे थे तो थोड़ी पटेगा ये मेरा केक है 3 मिलियन का भी साथ में कटेगा ये मामा के कटेंगे बर्थडे के और अरे 2 कागज देखे गए थे बड़े हुए मैं भूल ही आई कोई ना भाई हेलो हेलो मीट गाइस माय मामा की छोरी हेलो जी ओके शर्मा ज्यादा रही है 12वीं क्लास में स्नैपचैट पे अभी तई शर्म नहीं आ रही मीट माय मामा का छोरा क्या हाल है भाई बढ़िया ऑल गुड बहुत चलो भाई अब बढ़िया अपने सोएंगे हैं तो कुछ करेंगे नहीं हम सोएंगे बस ओके कल भाई मेन रक्षाबंधन है तो कल दिखाएंगे हमारा एक दिन पहले होता रक्षाबंधन तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना ब्लॉग को बस यही कर देना